कहना चाह रहा हूँ, हमारे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को आप याद रखो। आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, मेरी बहनों से कहना चाह रहा हूँ, आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। और आपको क्या मिला? ठाकुरवाद आपको मिला। आपको ठाकुरवाद मिला, जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर, समाजवादी के नाम पर वोट लिया गया, तो हमको क्या मिला? हमको यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। आओ मेरे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ ठहर कर तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपको ये शिकायत है कि बीएसपी आपकी बात नहीं कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात करने तैयार है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तैयार। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यहीं पर फिर ये लोग आके बोलते ओवैसी की तकरीर से हिंदू और मुसलमानों में नफरत की दीवार बढ़ गई। कौन सी मेरा जुमला है तकरीर का निकाल के बताओ? कानपुर की मेरी एक तकरीर को 45 मिनट की तकरीर में 45 सेकंड निकाले ये आरएसएस के जाहिल लोग। बिल्कुल थम्स अप है इनको। सिर्फ 90 साल तक चड्डी पहन के लग फिराए थे, तो अचानक ख्याल आया यार 90 साल उम्र हो गई, पैंट तो पहन ले, तो पैंट पहना। तो क्या हमने क्या कहा था कानपुर में? एक 80 साल के मुसलमान को वहां की मुकामी पुलिस ने, और देने वाला एक दलित पुलिस का ऑफिसर था, जिसने कागज पर लिख कर कहा कि बोलो वैसी तुम्हारे समाज से इस तरह का सलूक किया गया था। मैं अपने उस दलित ऑफिसर को सलाम करता हूं। उसने कहा कि 80 साल के एक मुसलमान की पुलिस ने दाढ़ी लोची, उसको पीटा और उस पर पेशाब किया। तो मैं बोला उसके खिलाफ, तो आरएसएस ने ये कह दिया कि ओवैसी ने हिंदुओं के खिलाफ कहा। मगर जब हमने पूरा 2 मिनट का वीडियो डाला, तो पूरे अपने बगलों में अपने चप्पल को रखकर भागना शुरू कर दिए। और अभी हम सुने कि बड़ा विकास उत्तर प्रदेश में हुआ, बाबा थकते नहीं है मोदी।